परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। 72वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है शहीद स्टेडियम मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ऑनरेबल एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, आगे बैंड बज रहा है, पीछे परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। मंगल कामना करता हूं। आज यहां तिरंगा फहराते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहां उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया। इसी संविधान की बदौलत छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। भाई और बहनों, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ समारोह यहां शहीद स्टेडियम में बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के होते हुए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। अभी एसडीएम साहब का अभिभाषण हुआ और विनोद भ्याना जो विधायक महोदय ने भी अपनी बात कही। अब मार्च पास्ट होगा तो हम दिखा रहे हैं कि मार्च पास्ट के लिए सबसे पहले गृह रक्षीय टुकड़ी, जो जिसे हम पुलिस जवान कहते हैं, कंधों पर अपना यानी कि दायित्व लिए हुए हैं पूरे हमारे क्षेत्र के सुरक्षा का दायित्व। उसके बाद एनसीसी की सीनियर एनसीसी की टुकड़ी, उसके बाद जूनियर एनसीसी की टुकड़ी, उसके बाद स्काउट्स की आपको दिखाई दे रही है। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत मार्च पास्ट की सलामी ले आराम से, बिल्कुल आराम से। पायलट रिहर्सल पर इसी चीज को हमने पूर्वाभ्यास किया था। देखिए, कदम ताल मिलाते हुए कंधे से कंधे इनके इस बात को इंगित करते हैं कि हम हर आपदा के लिए, हर यानी कि ऐसी मुसीबत के लिए तैयार हैं। गृह रक्षीय टुकड़ी दुर्गा शक्ति के रूप में मैं कहूंगा। ये देखिए कविता जी, महिला पुलिस जवान जो दुर्गा शक्ति के रूप में कंधों पर अपना खूबसूरत रिवाल्वर, उसके बाद पुलिस जवानों की टुकड़ी आपको नजर आ रही है। सीनियर एनसीसी के जवान के प्लाटून कमांडर श्री टेकचंद जी, गृह रक्षा की दृष्टि से द्वितीय पंक्ति होमगार्ड को माना जाता है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन का प्रतीक। कदम ताल इनकी देखते हुए बनती है, हाथों को लहराते हुए किस तरह मंच के सामने से उधर अगले प्लाटून के रूप में कैप्टन जाखड़ नेतृत्व कर रहे हैं एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल हांसी, सार्जेंट आयुष एनसीसी जूनियर विंग। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत सलामी लेते हुए मंच के सामने से गुजरती हुई ये टुकड़ियां इस बात को दर्शाती हैं कि हम किसी भी तरह अपने शहर को महफूज रखें, राष्ट्र को महफूज रखें। ये जवान आगे बढ़कर आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, देख रहे हैं कि मंच के ऊपर 72वें गणतंत्र दिवस का समारोह में विधायक विनोद भ्याना जी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके साथ महामंत्री हमारे धर्मवीर रतेरिया जी वे अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। उधर एसडीएम महोदय का अभिभाषण चल रहा है और राष्ट्र के नाम हांसी शहर के नाम संदेश दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सी छटा अभी नैना अभिराम दृश्य आपको नजर आएंगे। यहाँ से हम दिखा रहे हैं व्यू कि यहाँ गहरी गृह रक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी की एक बटालियन यहाँ खड़ी है, वहाँ पर एनसीसी के जवान खड़े हैं, उधर स्काउट्स के जवान खड़े हैं और सांस्कृतिक, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर यहाँ बच्चियाँ, स्कूलों के बच्चियाँ तैयार हैं। यहाँ समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना काल के अंदर यानी कि सीमित सब प्रोग्राम है लेकिन भव्य प्रोग्राम है और के लिए और कैथल में
मेरे साथ हैं विनोद बिहाना जी, 72वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ है, तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप कहें। राजीव जी, मैं आज हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्व है गणतंत्रता दिवस, इस गणतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जहां मैं पूरे हांसी हलके के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, वहां मैं हरियाणा प्रांत के और भारतवर्ष के हर नागरिक को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश इसी तरह तरक्की करता हुआ पूरे संसार में अपना परचम फहराए। आज के दिन गणतंत्रता दिवस के दिवस पर मैं यही शुभकामनाएं हर भारतवासी को देना चाहता हूं। आपका धन्यवाद। 72nd रिपब्लिक डे पर यहां कुछ स्कूलों को भी सम्मानित किया जा रहा है, और कुछ डीएवी स्कूल जो कोरोना काल के अंदर वार वारियर की तरह काम करता रहा, उनकी प्रिंसिपल वर्दी प्रिंसिपल मैम है कोमल शर्मा जी, आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और रिपब्लिक डे पे आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट विशेस विद ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 22nd रिपब्लिक डे पर, और यहाँ पर आज सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। कोविड काल में हमारे स्कूल ने शेल्टर होम की व्यवस्था बना कर दी थी, तो उसी के उपलक्ष में एक टोकन रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, और उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्रशासन का और सभी देशवासियों का। हालांकि उसका निर्णय बाद में होगा, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, यहाँ से योग जीवन को सुरक्षित रखता है। बाकी बैठ जाओ बेटे, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी, गवर्नमेंट कॉलेज हांसी, SLSC इसके बाद तैयार रहे। आनंद सेवा समिति हांसी, JCI हांसी, स्टार संस्था, हाँ जी आगे है राधा स्वामी सत्संग हांसी, सेवराव शर्मा जी, तमाम सामाजिक संस्थाओं को आज पावन दर्शन रहते हैं, सहयोग किया है, बेहतरीन कार्य किया है प्रशासन के साथ मिलकर के। इसके बाद जेटली हांसी, कलम हांसी, आप सब ने COVID-19 में प्रशासन का सहयोग किया है। परिषद सभी सदस्य मुस्कुरा रहे हैं और अपना प्रशंसा पत्र ग्रहण कर रहे हैं। श्री जगमोहन शर्मा जी, भगवान परशुराम सेवा समिति जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन। इसके बाद शहर के आसपास या शहर मैं कहूंगा प्रदेश में, भारद्वाज जी, नरेंद्र भारद्वाज जी, मैडम लगाता। इसके बाद तो लेनी है पकड़ तो ले, दोनों अच्छा पकड़ ले, वो भी मन बढ़ेगा। छोटा मनमोहन शर्मा, Thank you.